हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आप भी कुछ इस तरह का न्यू स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा फ्रेंड, और आप भी इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको मोबाइल में काइनमेस्टर ऐप होना जरूरी है। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमेस्टर ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइनमेस्टर ऐप को ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, काइनमेस्टर ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद फिर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे बैक ले लेना है, और यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है और एडिटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से 1.5 और 2 के बीच में कुछ इस तरह से कर देना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ फिल स्क्रीन का ऑप्शन पर रहने देना है, और इसको कुछ इस तरह से बैक ले लेना है। और यहाँ आपको कुछ इस तरह से इस मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से 5 या 7 फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। और इसको कुछ इस तरह से यहाँ से इसको एक और फ़ोटो को सिलेक्ट करके, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से बैक ले लेना है। और उसके बाद फिर आपको कुछ इस तरह से यहाँ से फर्स्ट में आ जाना है, और यहाँ कुछ इस तरह से जूम वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, और यहाँ बरोबर का ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है। और उसके बाद फिर आपको सेकेंड वाला फ़ोटो पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से नीचे कर देना है, कुछ इस तरह से नीचे कर देना है, और यहाँ बरोबर का ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। और इस फोटो को भी उसी तरह से एडजस्ट कर देना है, और यहाँ बरोबर का ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है, और यहाँ कुछ इस तरह से इधर उधर थोड़ा हो जा रहा है। और इसके बाद में फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ बरोबर का ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है, और इस फोटो को भी उसी तरह से आपको कुछ इस तरह से नीचे कर देना है, और यहाँ बरोबर का ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है, और इस फोटो पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से, और यहाँ बरोबर का ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना फ्रेंड, और इस फोटो को भी उसी तरह से। तो फ्रेंड, हम सारे फोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम सारे फोटो को एडजस्ट कर लिए हैं, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से शुरू से आ जाना है, और यहाँ फोटो पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और कुछ इस तरह से मेमोरी लाइन वाले ऑप्शन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको इस स्टोरेज पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। हमको डाउनलोड नहीं करना है फ्रेंड, डाउनलोड है तो इसमें से हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड सेकंड वाला फोटो पे क्लिक करना है, और मेमोरी लाइन का ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और इस फोटो को भी उसी तरह से क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन में आकर, मेमोरी लाइन का ऑप्शन में आकर, और यहाँ से 3 को सिलेक्ट करके ओके कर देना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम सारे फोटो में मेमोरी लाइन वाले क्लिप ग्राफिक्स को ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड, यहाँ लास्ट वाला फोटो बचा हुआ है, इसमें भी हम क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन में आकर, और यहाँ मेमोरी लाइन के ऑप्शन में आकर, और इसमें से कोई भी ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें से 5 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर शुरू से आ जाना है, और उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और इस लाइट वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से घुमा देना है, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ से इसको कुछ इस तरह से जूम करना है फ्रेंड, कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ लास्ट तक आ जाना है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है फ्रेंड। और फिर से फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करके यहाँ ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से स्क्रीन कर देना है, और यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से आपको कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करना है, और यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से इसको यहाँ तक ले आ देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ से शुरू से आ जाना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से सेव कर देना है। तो फ्रेंड, ये वीडियो सेव हो रहा है। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो सेव हो गया। तो इसको कुछ इस तरह से बैक कर देना है, और यहाँ आपको शुरू से आ जाना है, और यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में उसी तरह से 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, और इसको कुछ इस तरह से बैक लेना है, और मीडिया का ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ब्लैक स्क्रीन है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से कुछ इस तरह से बैक ले लेना है। और फ्रेंड, इस सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और अभी जिस वीडियो को सेव किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है, और इसका कुछ इस तरह से इसको छोटा कर देना है, और यहाँ से ओके कर देना है। और फिर से फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से इसको पहले इसमें एडजस्ट कर लेना है अच्छा से।
और फ्रेंड एडजस्ट कर देने के बाद में यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करना है और इसका साउंड यहाँ से म्यूट करके ओके कर देना है। और फिर से फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है और इसका भी साउंड यहाँ से म्यूट करके ओके कर देना है। और फ्रेंड उसके बाद में हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम प्ले करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है फ्रेंड, अच्छा लग रहा है देखने में कुछ इस तरह से। और फ्रेंड इसमें आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से इसको शुरू में आ जाना है और लेयर का ऑप्शन में जाना है और टेक्स्ट का ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप अपना नाम लिख लीजिए कुछ भी। तो हम यहाँ कुछ इस तरह से लिख देते हैं और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है और इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करना है और यहाँ इसका कलर चेंज कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे ले आना है कुछ इस तरह से थोड़ा सा इधर करके। और इसके बाद में फ्रेंड इसका फ्रंट स्टाइल चेंज कर लेना है डबल एक ऑप्शन पे क्लिक करके और इसमें कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। तो हम इसको सेलेक्ट किए हैं और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है, आउटलाइन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड आप इसमें सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं उससे पहले फ्रेंड इस थोड़ा सा इधर कर देते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देते हैं। और फ्रेंड इसमें आप सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद फ्रेंड आपका मोबाइल का फाइल खुल जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी ऑडियो सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो हम यहाँ से कुछ इस तरह से सॉन्ग है इस तरह से इस सॉन्ग पर क्लिक करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके बैक ले लेना फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें सॉन्ग ऐड हो गया। और फ्रेंड इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से सेव कर देना है। तो फ्रेंड इस तरह से आप स्टेटस वीडियो न्यू बना सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।